सुजानपुर टेहरा के सात लगते गांव टिक्कर पंचायत में पानी की सप्लाई बाधित होने के चलते ग्रामीणों में गुस्सा पनपना शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मवेशी पशुओं को भी पानी की सप्लाई न आने से कई प्रकार की परेशानियों से जूझने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों में विजय कुमार अनिल कुमार ने बताया कि पानी की सप्लाई एक बार ही सिंचाई एवं जल विभाग द्वारा दी जा रही है, जिससे पीने का पानी भी पूरा भरा नहीं जा रहा है, जिस कारण दिन भर पानी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने विभाग से भी आग्रह किया है कि पानी की सप्लाई को नियमित रूप से किया जाए। वहीं एसडीओ विवेक ठाकुर से बात की तो उन्होंने बताया कि पानी की सप्लाई नियमित रूप से की जाएगी, जिसके लिए गांव में पंप के निर्माण का कार्य चला हुआ है, जिसमें तकनीकी खराबी आई है, उसको विभाग नए सिरे से लगा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ग्रामीणों को पानी की सप्लाई दी जाएगी। पानी 15 दिन से पानी टिक्कर में बिल्कुल नहीं आ रहा है और गांव वाले बहुत परेशान हो गए हैं पानी की वजह से। लेटरिन में, बाथरूम में पानी बिल्कुल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। हाँ जी, और सारे कंप्लीट की है, जेई साहब को भी कंप्लीट की है, लेटर लिख के दिया है, धरना दी है, लेडीज भी गई है वहाँ और दस्तखत करके भी लेके गई है, वो गांव वालों से सब लेडीज गई है, जेंट्स गए हैं, और जेई साहब भी सुनाई नहीं कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है। इस वजह से पानी नहीं आ रहा है, कभी कह रहे हैं बोरियाँ सीमेंट की नहीं आई है, कभी कह रहे हैं रेता नहीं है और पानी का सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आज 15-16 दिन हो गए हैं। रजिंदर राणे को भी टेलीफोन किया है, उन्होंने भी जवाब अभी तक नहीं दिया। प्यारे लाल भाई ने टेलीफोन रजिंदर राणा को भी किए हैं तो उन्होंने भी अभी तक जवाब नहीं दिया है। और इतनी परेशान दुनिया हो रही है पानी के पीछे कि पानी का हैंड पंप जो है उसमें पानी नहीं आ रहा है। एक दो मटके निकलते हैं, दो तीन बाल्टियाँ निकलती है, उससे गुजारा नहीं होता। और मैं विजय कुमार चौधरी बोल रहा हूँ, टिक्कर का निवासी हूँ, और मैं सभी भाइयों को पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं है।